हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही थी डिनर में आलू का भरता, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, स्टिल अगर आपको कोई ऑप्शन ना समझ आए तो ये आप बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। ये बीच में मैंने कुछ ऑर्डर करा था अपने लिए, तो मैं खाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था और ऑर्डर आ गया था। ये जो है पनीर मसाला था, और जो है पराठा था, बाकी रोटी थी और एक नॉर्मल दाल थी, दाल तड़का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी। तो चलिए यहाँ पे आइए, तैयारी करते हैं आलू के भरते की। और जो इसमें रेसिपी आप देख रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लगा होगा, ऐसे देखने में लग रहा होगा कि गाइस, हम लोग काफ़ी बना रहे हैं टाइम आज आलू टेकिंग का है, बट भरता। नहीं, तो सिर्फ 10 मिनट्स इसमें में क्या बन है, गया था। सिर्फ बॉइल्ड मैश्ड जो पोटैटोज़ बॉइल्ड मेरे पास रखे पोटैटोज हुए हमने थे, मैश बस करने मैंने के उन्हें बाद मैश करा। थोड़ी सी मैंने, टोमेटोज़ एक सॉरी, मतलब जगह नहीं एक थी तो कट मैंने करके इसमें भुनने थोड़े के से बाद हमें टोमेटोज सिर्फ अनियंस कट और कर हरी दी हैं। मिर्च बाकी कट मैंने करनी आटा है, अपने रोटी और बाकी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जीरा और डाल दो तेल में जो गरम है वो करके, जीरा डालने के बाद और थोड़ा जो सा हमारी जो थोड़ा गोल्डन सा ब्राउन होने रोटी लगी गरम है, मतलब हो गया, हमारी हरी इसके मिर्च बाद और जो उसमें अनियंस प्याज है और जो वो, है हरी इसके मिर्च बाद डालने उसमें के के बाद पास हमें हम जो जिंजर और गार्लिक का जिंजर पेस्ट गार्लिक ऐड पेस्ट करेंगे। है वो मैं इसके ऐड बाद हम करती जो हूँ, हमारे स्पाइसेस थोड़ा सा उसके बाद ड्राई हैं स्पाइसेस ये हैं, इसके ज़्यादा बीच रेड में, चिल्ली, ये बाकी स्पाइसेस थोड़ा हैं थोड़ा जो है टर्मेरिक गार्लिक और और थोड़ा कोरिएंडर सा भी ऐड कर कोरिएंडर और थोड़ा सकते हैं सा अगर लाल आपको नहीं मिर्च पसंद पाउडर, तो ये आप मुझे नहीं ज़्यादा करिए, पसंद है, और इससे कलर भी सॉल्ट आता है और उसके ये बाद काफ़ी नहीं टेस्टी तैयार लगता है, होगा बस जब इतना ही काफ़ी है।